मेरे भाई और दोस्तों अल्लाह ताला ने इंसान को जिसम और रूह इन दो चीज़ों के मरकब से पैदा फरमाया है जिसम के बनने का निज़ाम और है और रूह के बनने का निज़ाम और है जिसम किसी और जगह बनता है और रूह कहीं और से आती है जिसम ज़मीन और ज़मीन की गज़ाओं के मुख्तलिफ़ मराहल पेश दरपेश से वलक गम अतवारा व मुख्तलिफ शक्लें बदलता 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 एक रूप में ढलता है और रूह एक लतीफ़ अल्लाह का अमर है जिसका इल्म इंसान को नहीं दिया गया यस अलू न का रूह कुलह मिन अमर रबी वमा ऊती तो मिन लली के रूह एक अल्लाह का अमर है जिसके बारे में तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं है लिहाजा उसकी तफसील तुम समझ नहीं सकते हो रूह आसमान से आती है जिसम ज़मीन में बनता है फिर चार महीने बाद अल्लाह उसको आपस में जोड़ देता है ज़िंदगी मुतहरक हो जाती है रूह ही के साथ ज़िंदगी की बका रहती है जब अल्लाह उससे वापस निकाल लेता है तो सारे टाइटल हटकर सिर्फ एक नाम सबको मिल जाता है और वो मैत का होता है वो हज़रत मौलाना हो वो कोई डॉक्टर हो बादशाह हो सदर वजीर हो सारे एजाज़ टाइटल हटाकर उस पर मैत का लफ्ज़ मोहर लग जाती है उसमें से क्या निकला है? हर चीज़ तो मौजूद है अब ये बोलता क्यों नहीं उठता क्यों नहीं चलता क्यों नहीं उसमें से रूह निकल गई है रूह हमारे जिसम की असल है उसे निकाल दो तो जानवरों को भी पता है कि अब यह बेजान चीज़ है चूंटियाँ, कीड़े मकोड़े भी उसको खाने लग जाएंगे जानवर भी खाने लग जाएंगे ज़मीन भी उसको गलाने लग जाएगी हवाएं उसको उसको मुतैर करने लगेंगी रूह इंसान के अंदर एक चलता हुआ जिंदगी का कारवां है उसे जब अल्लाह वापस बुलाता है तो अल्लाफल अनफ सहयोतहा वल्लती लम फी मना में हा मौत क्या चीज़ है इसके दो सौ जवाब हैं साइंस की किताबों में तो दो सौ जवाब वज़ात खुद बता रहे हैं कि ये एक जवाब भी ठीक नहीं है और क़ुरान एक जवाब देता है और वही हरफ आख़िर है कुलयतवा को मलकुल मौत अल्लाह यफलफ़ी न मऊ अल्लाह जो तुम्हारी रूहों को मौत के वक्त खींच लेता है तुम्हारे जिस्म से निकाल लेता है तो मेरे भाइयों मौत के वक्त इंसान दो कैफियत में होता है कुछ लोगों की रूह ऐसी निकल रही होती है कि उनके रग रग में वो फंस रही होती है फंस रही होती है वलो तरा इजयत वफल लदीन कफ़रमको नजूह हूँ व अदबार हूँ काश तुम देख सकते वो मंजर जब अल्लाह के फरिश्ते नाफरमानों की रूह को निकाल रहे होते हैं तो उनके मुंह पे भी मारते हैं उनकी कमर पर भी मारते हैं और अखरजू निकालो आज अपने रूहों और जानो तुम बच नहीं सकते हो वो पीछे हटना चाहते हैं मुझे वापस कर दे थोड़ी देर के लिए अहमदन अब मैं पूरा पूरा ठीक ठीक मुसलमान बन के चलूंगा तो उसके जवाब में है और हदीस पाक में आता है कि मलक-ul-मौत उतारता है उसके साथ चार फरिश्ते होते हैं वो चारों फरिश्ते आते हैं उसकी पटाई शुरू कर देते हैं अभी परसों ये हदीस मैंने पढ़ी इब्नु माजा में कि मलक-ul-मौत कहता है अयत तोहन नफ्सल कानतबीस ए खबीस रूह जो खबीस जिसम में थी औ जी बाओ अब वो वापस तो हो नहीं सकता अपने आप को रोक तो सकता नहीं तो वो हैरान परेशान खौफ ज़दा तो उसके जवाब में उसको मल कोता अब श्रे अब श्रे बेहमी मेन व गसाक व आखर मेन शक्ल ही अजवाज तैयार हो जा खौफनाक अजाब के लिए और खोलते पानियों के लिए कांटेदार झाड़ियों के लिए बेशुमार अजाब की शक्लों के लिए तो उसकी रूह को जब खींचते हैं तो रग रग से वो कट कट के निकलती है तो सारा वजूद ज़ेर ज़बर होता है सकरात का दर्द सारी दुनिया के दर्दों पर हावी है जब उसकी रूह निकलती है और उसको लेकर आसमान पर चलते हैं तो दरवाज़े पर पहुंचते हैं तो अंदर से फरिश्ते पूछते हैं कौन है कहते हैं फलां, फलां का बेटा है का नफसन ख़बीसा फ़िलजस दिलखबीस ये तो वही बदमाश है जो बदमाश जिसम में था ये वो बदबخت रूह है जो बदबخت जिसम में थी इसके लिए आसमान के दरवाज़े नहीं खोल सकते इसे वापस कर दिया जाए तो आसमान के दरवाला तो फतम अबवाब वलायत ख़ुल्लून जन्नत हत यल जमलुफ़ी सम्मिलख़याप्त कि इनके लिए आसमान के दरवाज़े नहीं खोलेंगे और इनके लिए जन्नत के दरवाज़े नहीं खोलेंगे फिर ये वहाँ से नीचे गिराए जाते हैं जो अल्लाह का क़ैद ख़ाना है सिंह वमा अदरा कमा से किताब व मरकूम वो तुम्हें ख़बर नहीं कि वो क्या खौफनाक कैद ख़ाना है जो अल्लाह ताला ने बनाया है उसे वहाँ धकेल दिया जाता है फिर क्या मत तक उसके लिए इंतज़ार की घड़ियाँ हैं और अजाब की शिद्दत है और जब कोई नेक आदमी अल्लाह ताला के दरबार में जाने का उसका वक्त आता है तो अल्लाह तबारक वाली फ़रमाते हैं इन तुम मस्त खामो تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور رحيم يبقى اس کے جانك بھی فرشتے فرش और आकर उसको खुशखबरी देते हैं और आकर उसको तसली देते हैं कि आप गम ना करें पीछे भी पीछे वाले भी आपको मिल जाएंगे आप खौफ ना करें आगे सारी मंजिलें आपके लिए आसान हैं आपके लिए जन्नत भी तैयार है रब भी मेहरबान है और हदीस पाक में आता है कि मलकुल मौत और चार फरिश्ते आते हैं वो चार फरिश्ते उसको सहलाते हैं दबाते हैं कि मौत का दर्द इससे महसूस ना हो और मलकुलमौत फ़रमाते हैं अय्य तोहन हमीदा कानत फिल जसदिलहमीद उखरुजी ए नकूह जो नेक जिसम में थी बाहिरओ क्या करो व अब शरीव रोहन वरा हान वबिन रान की गैर गबान आपको बशारत हो आपके लिए जन्नत तैयार हो चुकी है और वहाँ के सारी नेमतें आपके लिए मुयसर हो चुकी हैं और अल्लाह आप पर राज़ी हो चुका है और अल्लाह आप पर खुश हो चुका है इस पर उसकी रूह को निकाला जाता है फिर सारे फरिश्ते उसको इस्तेकबाल के साथ जो आसमान पर ले जाते हैं तो अंदर से पूछते हैं कौन है का फ़लाँ फ़लाँ का बेटा फ़लाँ फ़लाँ की बेटी कहते हैं नफसन हमीद आफी जसदिन हमीद ये तो नेक रूह थी जो नेक जिसम में थी मरहबम बही इसको हम सब इस्तबाल किसका करते हैं और एकदम आसमान के दरवाजे खुलते हैं फिर वो पहला दूसरा तीसरा चौथा सारे आसमान पार करता हुआ अल्लाह पाक के अर्श के नीचे के जाकर मर्द है या औरत वहाँ जाकर सजदे में सर रखता है और अल्लाह ताला फरमाते हैं हाँ इसने हमें खुश किया हम इसे खुश करेंगे और उसको आफियत के साथ वहाँ आसमान में पहले आसमान से लेकर अल्लाह के अर्श तक ये सब वेटिंग रूम बने हुए जहाँ अल्लाह अपने अपने दर्जात के मुताबिक जन्नत वालों को ठहराता है और वो इंतज़ारगाह है और वक्त ख़त्म हो जाता है लिहाजा इंतज़ार की जो तकलीफ है वो भी ख़त्म हो जाती है वक्त ख़त्म तो इंतज़ार का एहसास ख़त्म और टाइम के गुज़रने का एहसास ख़त्म तो जैसे अहब कहा को अल्लाह ने गार में दाखिल करके तो गार के अंदर से वक्त को निकाल के बाहर फेंक दिया बाहर तीन सौ साल गुजरे अंदर आधा ही दिन गुज़रा था वो जब उठे तो वो पच्चीस बरस का नौजवान सवा तीन सौ साल का होकर नहीं उठा वो पच्चीस साल की उम्र में उठाए न ना नौखन बड़ा है ना मुँशें बड़ी हैं ना उनकी दाढ़ियाँ लंबी हुई हैं चूँकि तो जिंदा थे मर नहीं गए थे तो जिंदा के तो बाल भी बढ़ते हैं नौखन भी बढ़ते हैं लेकिन वो इस तरह उठे कि तीन सौ बरस गुजर गए और पच्चीस बरस का नौजवान पच्चीस साल की उम्र में उठाए बीस बरस का बीस बरस की उम्र में उठाए और वो कहने लगे कम लबिस ना भाई कितना ठहरे हैं का यौमन ओबादा यौमन लगता है कोई दिन आधा दिन ठहरे हैं वो सही कह रहे थे बाहर अल्लाह ताली ने वक्त की घड़ी को चलाए रखा और अंदर गार में उसको स्विच ऑफ़ कर दिया निकाल दे के यहाँ वक्त को दाखिल नहीं होने दिया तो वक्त के गुज़रने से जो भी असरात मुरतब होते हैं वो उन पर मुरतब नहीं हुए तो वो बीस आधा ही दिन के बाद उठे हैं बाहर तीन सौ साल अंदर आधा दिन यही कुछ अल्लाह तबारक व ताली बरज़ख में कर देता है वक्त को ख़त्म कर देता है गुजरने का एहसास नहीं होता है तो इस तरह मेरे अजीज हो ये दो मौतें इंसान हर इंसान देखता है या वो जन्नत के फरिश्तों का इस्तबाल देखता है या जहन्नुम के फरिश्तों की मार और पटाई को सहता है राबा बसरे रमत का इंतकाल होने लगा तो उन्होंने रात को फौत हुई तो उन्होंने अपनी ख़ादमा को बुला के फ़रमाया कि किसी को बताना नहीं जब मैं मर जाऊँ तो पड़ोस में दो चार को बुला कर ना मेरा जनाजा पढ़वा देना और जिस कुर्ते में मैं तहज्जुद पढ़ती थी वही मेरा कफन बना देना और सुबह बेशक लोगों को बता देना मेरे मरने के बाद मेरी मैयत को रखना नहीं फ़ौर दबा देना तो उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने पड़ोस के दो चार दस बीस आदमी बुलाए और उनकी तदफीन तजह सब कुछ हो गई सुबह शोर मचा के ओहू राबा बसरी का इंतकाल हो गया तो अगले दिन वो ख्वाब में इस खादमा को मिली और कहा बेटी तेरी बड़ी मेहरबानी तो उन्हें मेरी वसीयत के मुताबिक अमल किया उसने देखा कि उन्होंने एक खूबसूरत सब्ज़ लिबास पहना हुआ है तो वो फरमाने लगी इन्होंने सवाल किया कि आपके साथ कबर में क्या हुआ तो वो कहने लगी कि मेरे पास मुनकर नकीर आए थे और मुझसे कहने लगे मन रब की तेरा रब कौन है तो मैंने कहा अल्लाह चालीस बरस जिसको मैं न भूला सकी उसको चार हाथ ज़मीन में आके मैं भूल जाऊंगी इनका बयालीस बरस की उम्र में इंतकाल हुआ था तो वो कह लगे अल्लाह जिसको मैं चालीस बरस ना भूला सकी मैं उसे चार हाथ ज़मीन के अंदर आके भूल जाऊंगी तो मुनकर नकीर कहने लगे इसका क्या हिसाब लेना फिर उन्होंने पूछा कि वो आपका वो कुर्ता कहाँ गया तहज्द वाला जिसमें आपको कफन दिया था क्या वो अल्लाह ने मुझसे ले लिया है और मेरे आमाल के ख़जाने में रख दिया है क्यामत के दिन मेरा वो कुर्ता भी मेरे तराजू में तोला जाएगा और मुझे ये लिबास पहनाया है जो जन्नत का लिबास है ये, ये भी एक मौत है इस तरह भी लोग मरते हैं और दूसरी भी एक मौत है हमारे हमारे इलाके की बता रहा हूँ अपने इलाके की एक जिम्मेदार मर गया उसकी कबर खोदी सारी बिच्छुओं से भरी हुई ऐसे जैसे च्यूटियाँ फिर रही होती तो उन्हें वो बंद करके दूसरी खोदी सारी बिच्छुओं से भरी हुई फिर वो बंद के बंद करके तीसरी खोदी सारी बिच्छुओं से भरी हुई कब्रिस्तान में इतने बिच्छू कहाँ से आ गए ये ज़मीन के बिच्छू नहीं है ये आखरत की बलाएँ हैं जिसके साथ अब उससे क्या मत तक रहना है और गुजारा करना है तो ये दो तरह की मौतें रोज़ाना लोग मरते हैं रोज़ाना लोग मरते हैं जब नमाज का वक्त होता है मलकुल मौत सारी दुनिया का चक्कर लगाता है और देखता है कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा जो नमाज की पाबंदी करता है उसकी मौत आसानी से होती है जो नमाज में गफलत करता है उसके साथ मौत के वक्त शिद्दत और सख्ती इख्तियार की जाती तो भाईयो ये एक जिस्म है एक रूह है रूह बाकी रहने वाली चीज है जिस्म मिट जाता है फिर अल्लाह से क्यामत के दिन नया जिस्म जिसम फरमाएगा एक नया जिस्म दिया जाएगा रूह वही है जो अल्लाह के खजानों में जमा हो जाती है ना फरमान की स्याह काली रूह होती है फरमा बरदार की रोशन चमकदार रूह होती है तो अल्लाह ने कुछ तकाजे जिस्म के रखे हैं और कुछ रूह के रखे हैं जिसम के तकाज़े पूरे ना करो तो यह परेशान हो जाता है रूह के तकाज़े पूरे ना करो तो यह परेशान हो जाती रूह की परेशानी जिसम से ज्यादा है क्योंकि रूह की ताकत जिसम से ज्यादा है रूह मत, जिसम से बना है इसकी गजा भी मट्टी से निकलती है रूह आसमान से है इसकी गजा भी आसमान से है रूह का ताल्लुक जब तक अल्लाह से नहीं जुड़ता इससे भूख और प्यास लगती रहती है जिसम को जब तक रोटी और पानी ना मिले ये तड़पता और परेशान रहता है जैसे अल्लाह ताला ने हमारे जिसम में रोटी और पानी की तलब को बेसाख्ता रख दिया है मैं बयान के दौरान भी पानी पी रहा हूँ आप देख रहे हैं कि मुझे मेरा हलक सूख जाता है मुझे तलब महसूस होती है पानी हलक सूखता है पानी की तरफ भागते हैं भूख लगती हम रोटी की तरफ भागते हैं ये एक ऐसा अंदर में ऑटोमेटिक सिस्टम है कि हम इसको ऑफ नहीं कर सकते ये सोते सोते भी भूख की वजह से आँख खुल जाती सोते सोते प्यास की वजह से आँख खुल जाती है ये ऐसा खुद अल्लाह ताला ने साख्ता निज़ाम बनाया है कि आप अपने जिस्म में रोटी और पानी की तलब को नहीं निकाल सकते मेरे अजीज़ों ठीक इसी तरह अल्लाह ने इंसानी रूह में अपनी तलब रख दी है और अपने रसूल की तलब रख दी है ये दो तलब ऐसी हैं कि ये आपके जिसम रूह से निकल नहीं सकती जैसे भूखा रोटी ना खा ले प्यासा पानी ना पी ले उसे चैन नहीं आ सकता वो रूह जो अल्लाह और उसके रसूल से नाश ना है जब तक वो वहाँ तक पहुंच नहीं जाती उसे चैन नहीं आ सकता उसका अंदर परेशान रहेगा उन्नीस सौ सतानवे में जब जुनेद जमशेद से मेरी पहली मुलाकात हुई तो उसने मुझसे ये सवाल किया कि मौली साहब एक पाकिस्तानी नौजवान जिस ग्लैमर को खाबों में देखता है वो ग्लैमर तो मुझे ज़िंदगी में वैसी हासिल है मेरे चारों तरफ ज़िंदगी का रक्स है और मैं मेरी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश हर तमन्ना पूरी है इसके बावजूद मेरे अंदर अंधेरा है मेरे अंदर खला है मुझे लगता है मैं वो कश्ती हूँ जिसका कोई साहिल नहीं जिसका जिसकी कोई सिमत नहीं ऐसा नहीं होना तो तो चाहिए तो 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 एक आम लड़का तो कहता है हाय काश ये होता उसको वो नहीं हो रहा तो फिर वो परेशान है हाय ये होता हाय वो होता तो मैं तो हाय नहीं करता हूं मेरी तो हर हर लज्जत और ख्वाहिश मेरे सामने तश्तरी में सजा के पेश की जा रही मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं हाय हाय क्यों कर रहा हूं मेरा अंदर वीरान क्यों है मेरे अंदर में खला क्यों है ये वही खला है कि रूह वो रूह की प्यास को शराब में बुझाना चाहता है वो रूह के प्यास को लड़की में बुझाना चाहता है वो रूह के प्यास को मौसीकी से बुझाना चाहता है वो रूह के प्यास को दुनिया की रानाइयों में फाइव स्टार होटलों से बुझाना चाहता है रूह क्या जाने रोटी क्या है शराब क्या है पानी क्या है औरत क्या है मौसीकी क्या है घुंघरू क्या है पायल क्या है छंकार क्या है रूह को इन चीज़ों की क्या खबर अमेरिका में हमारी एक जमात थी तो चार लड़के दो लड़कियां चार चार लड़कियां दो लड़के मुसलमान हुए तो एक लड़के का नाम रखा था इब्राहिम और उसको तो जब पढ़ाया ना कलमा उन्होंने कहा हाय हाय और दोनों हाथ यहां रखे सीने पर दिल पर कहा तो हमारे साथियां डॉक्टर अख्तर वो कहने लगे क्या, क्या हुआ क्या हुआ कहने लगा जब से हो संभाला जगह खाली थी ये तेरे कलमा पढ़ाने पर भर गई है मेरी खुशी से हाय निकल गई ये जगह खाली रहेगी यहाँ शराब नहीं पहुँच सकती यहाँ नगमा और मौसीक़ी नहीं पहुँच सकती यहाँ ताले लगे हुए हैं यहाँ तक कोई आवाज़ नहीं जा सकती दिल के तारों पर एक ही नगमा छड़ सकता है और वो अल्लाह की याद का है और अल्लाह की मोहब्बत का है और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का है बाकी कोई कोई मजराब ऐसा नहीं जो इन तारों को छेड़ सके बाकी कोई चीज़ आवाज़ ऐसी नहीं जो दिल की दुनिया पर जाकर दस्तक दे सके यहाँ बंद दरवाज़े हैं यहाँ सिर्फ़ अल्लाह पहुँचेगा अल्लाह के रसूल का ताल्लुक़ पहुँचेगा बाकी कोई चीज़ यहाँ नहीं जा सकता